क्या बन जाए। हमसे दूरी बनाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा आरुषि? हमारी तरफ देखो, हमसे बात करो। देखो, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो, अपने आप से झूठ बोल सकती हो, लेकिन हमसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि हम अपनी आरुषि को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है और हम हैं तुम्हारी मदद के लिए। आरुषि, तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बताओ, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हम हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। देखो आरुषि, आज तो तुम बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि तुम किस मुसीबत में हो और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकलना ही होगा। देखो, हम तुम्हें आने वाली हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम निकालेंगे तुम्हें इस मुसीबत से। हमसे, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हमें पता है। आप हमारी मां बनने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे पति हमें कहीं ले जाते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम मुसीबत में हैं? अरे, हम किसी मुसीबत में नहीं है जो आप हमारी मदद करने के लिए चली आई। हमें अंदाजा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमारे लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी मत कीजिए और जाइए यहाँ से। हमें अकेले रहने दीजिए। आरुषि, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। कोई दुश्मन नहीं, फिर क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? हमें दुख देकर और अपनी तकलीफों को बढ़ाकर तुम्हें क्या मिल जाए? हम तुम्हारी मदद करना चाहते। देखो आरुषि, हमारी बात को समझने की बस अब बहुत हो चुका। हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज यहां से चली जाइए। मम्मी, हम ऑफिस जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम था इससे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। आप पापा से कह दीजिएगा कि हम चले गए हैं। रुको! अरे तुम सुबह सुबह तुम तैयार होके कहाँ जा रही हो? अपने बाबूजी के घर। बाबूजी के घर? आदर्श, सब ज्यादा पूछा पाछी मत करो यार। तुम ऑफिस जा रहे हो तो हमको रास्ते में बाबूजी के यहाँ छोड़ दो ना, और आते वक्त हमको याद से ले आना। लेकिन कोमल, तुम अपने बाबूजी के घर क्यों जा रही हो? ये तो हम यहाँ रह के क्या करें? यहाँ तो बिजली भी नहीं है जो ना हम बैठ के टीवी देखें, वो भी नहीं कर सकते, और वैसे भी हम यहाँ बैठ के कंचे खेलेंगे का। देखो कोमल, इस घर में सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें है। दादी और मम्मी भी है ना घर पे, तुम अकेली हो। देखो आदर्श साहब, तुम हमारी बराबरी दादी और सासू अम्मा से क्या कर रहे हो? और दादी कौन सा बैठ के टीवी देखती है, वो तो दिन रात पूजा पाठ में ही लगी रहती है, और सासू अम्मा भी दिन भर खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, साफ सफाई में सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, और फिर वो भी सो जाती है। तो हम तो अकेले ही रह गए ना, और वैसे भी हम मोहल्ले के लौंडों के साथ भी नहीं खेल सकते। ऐसे कि हमारा ब्याह हो गया है, एलिया हमको अपने बाबूजी के घर जाना। देखो कोमल, तुम कहीं नहीं जाओगी, और कुछ दिन अगर तुम टीवी नहीं देखोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? और छोटी छोटी बात पे तुम्हें अपने बाबूजी के घर जाना अच्छा लगता है क्या? तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या बात है यार, तुम तो भड़कते भी हो। आज हमको ना बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारे ऊपर गरमा रहे हो। कोमल, हमने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। आदर्श बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। कोमल ठीक कह रही है, इसे लेते जाओ, आते वक्त शैम्पू लेते हुए आना। देखो ना ससुर जी कैसे समझ गए। चलो। अरे जरा प्यार से बोलो ना, हम भी तो तुम्हारी बीवी है, प्यार से बोलोगे तो चल देंगे। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।